んだね。しまう。しまる。しのいはるじゃおこ。しのい。अभी कमर लचकाओ, कमर लचकाओ, वाओ वाओ, नाइस अभी लचकाओ। अरे कौन घुमा ऐसे ऐसे थोड़ी देर में? हाँ हाँ, मेरे को पता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं अपनी डेली रूटीन। जी हाँ, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि मैम आप लोग इतने स्लिम ट्रिम कैसे हो, हमारे साथ भी कुछ एक टिप्स शेयर कीजिए। जो भी हम लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं, डेली वर्कआउट करते हैं, उससे रिलेटेड ये आज की वीडियो रहने वाली है। एंड आप लोगों ने आज तक हमें देखा होगा, हम लोग नीचे वाले हॉल में एक्सरसाइज करते थे, वहीं पर हम लोगों ने ट्रेडमिल भी लगा रखी थी। बट आजकल क्या हो गया ना, आपको पता है कि एप्पल सीजन की वजह से जो नीचे का हमारा हॉल है वो बिल्कुल पैक हो गया। वहाँ पर हम लोगों का सीजन तो खत्म हो गया, फिनिश हो गया, बट जो हमारे यहाँ गांव के पड़ोसी वगैरह हैं वो आजकल वहाँ पर सेब भर रहे हैं हमारी ग्रेडिंग मशीन में। तो नीचे वाला हॉल बिजी है, इसलिए जब से एप्पल सीजन शुरू हुआ है ना, तब से हम लोगों ने ये टॉप फ्लोर वाला जो हॉल है ना, यहाँ पर आजकल हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और अभी सुबह के आई थिंक 7:30 बज रहे हैं, और पीछे देखिए अंकित और नायशा लगे हुए हैं एक्सरसाइज करने में। तो दोस्तों, एक खुशनुमा ज़िंदगी जीने के लिए हम लोगों का फिज़िकली फ़िट रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिज़िकली एंड मेंटली हम लोग दोनों तरह से फ़िट होने चाहिए, है ना। फिज़िकली फ़िट रहने के लिए हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं, एंड मेंटली फ़िट रहने के लिए जो योगा होता है, प्राणायाम होता है, आसनास होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड अंकित जो है ये वर्कआउट टाइप है, क्योंकि ये रेगुलर एक्सरसाइज एंड वर्कआउट ही करते हैं। और मेरा आप लोगों को पता है, मैं योगा कर लूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा जो योगा है प्राणायाम है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करती हूँ थोड़ा, एज़ कम्पेयर टू वर्कआउट। तो दोस्तों, दिन भर की भाग दौड़ और वर्कआउट से हमारी मसल्स का बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, जिसको रिपेयर करने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, आप लोग ये ना सोचें कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं रोज़ या फिर जिम करते हैं, उन्हीं लोगों को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। नहीं, हम में से हर एक को अपनी बॉडी वेट के जितना ही ग्राम्स में प्रोटीन चाहिए होता है हर दिन। मेरा वेट अगर मैं आपको बताऊं तो 55 kg के अराउंड है, और मुझे अगर मैं प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बताऊं तो हर दिन मुझे 55 ग्राम ही जो प्रोटीन है वो चाहिए होता है। और हम लोग जो डेली डाइट लेते हैं, जो भी हम लोग रोज़ खाना खाते हैं, उससे जो ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स है ये पूरी नहीं हो पाती। और अगर तो मैं लेडीज़ का बताऊं तो सुबह से शाम तक यार हम लोग इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं काम में, कि हम लोगों को तो प्रोटीन और कैल्शियम की, सभी को पता होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो हम लोग रोज़ खाना खाते हैं, जो डेली की हमारी डाइट होती है, उससे जो हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स है आधी भी पूरी नहीं होती है। तो दोस्तों, हम अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं बी ग्रीन। बी ग्रीन एक प्लांट प्रोटीन है जो कि 100% वीगन है। इसमें आपको जो एडिड शुगर्स हैं बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, और ये डेयरी फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लांट प्रोटीन है। और इसके साथ ही इसमें विटामिन सी, ई एंड B12 है, जो कि आज के कोविड टाइम में आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। और इसके साथ ही इट कंटेन्स ग्रीन टी, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर है, जो कि आपकी स्किन को फ्रेश रखने में हेल्प करेगा। तो बी ग्रीन के एक स्कूप से आपको मिल जाएगा 25 grams तक प्रोटीन। और हम लोग इसको चिल्ड वाटर में मिक्स करते हैं, आप लोग स्मूदी में भी मिक्स कर सकते हो, जिसमें भी आपको अच्छा लगता है, दूध में भी आप लोग ऐड कर सकते हो, स्मूदी में ऐड कर सकते हो, हम लोग चिल्ड वाटर में इसको ऐड करते हैं। इसका जो एक स्कूप है ना, स्कूप इसके अंदर ही दिया होता है, इसका एक स्कूप हम लोगों को ऐड करना होता है 300 ml वाटर, मिल्क, स्मूदी, जो भी आपको करना है ना,
उसमें ऐड करना है। और अगर मैं आपको इसका टेक्सचर बताऊं तो बहुत ही स्मूथ इसका टेक्सचर बन जाता है। कुछ ही सेकंड्स में ये आप इसको शेक करोगे तो अच्छे से घुल जाता है, बिल्कुल वो गंदा सा वाला प्रोटीन नहीं है जिसमें कि वो दाने दाने से रह जाते हैं। ये बहुत ही फाइन टेक्सचर का प्रोटीन है। और अगर मैं फ्लेवर बताऊं तो मैंने इसमें ऑर्डर करा था ये कैफे मोका फ्लेवर, और इसका जो टेस्ट है बहुत ही लाजवाब है। आई थिंक दो फ्लेवर इसमें और भी है, चॉकलेट है एक और स्ट्रॉबेरी है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर एक बार जरूर इसको चेक करें। और अगर आप लोग भी कोई अच्छा सा प्रोटीन देख रहे हो और खासकर वीगन प्रोटीन आप देख रहे हो तो आप जरूर इसको एक ट्राई दे सकते हो, बी ग्रीन प्लांट प्रोटीन। सबसे पहले हम लोग करते हैं वार्म अप क्योंकि जो भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, वार्म अप जरूरी होता है करना ताकि कोई भी जर्क बॉडी में ना लगे। और अंकित थोड़ा सा बताना चाहे तो बता सकते हैं। नहीं जी तो चलो शुरू करो। हम सीधा काम में ध्यान देंगे। वर्कआउट हम लोग हेड से लेके टो की तरफ को करेंगे। ओके तो ये आज हमारी कोच है, अंकित कोच बताएंगे, मैं तो योगा बताऊंगी आपको, बाकी अभी ये अंकित बताएंगे, मैं योगा करके बताऊंगी। चलो वर्कआउट तो देखो एक चीज होती है कि जब भी आपने करना है या तो हेड टू टो शुरू कीजिए या टो टू हेड शुरू कीजिए। okay. इसका एक गुण होता है। हाँ, तो हम हेड टू टो ही करते हैं। हाँ, क्योंकि मैं हम सीधे हैं ना, उल्टे नहीं है। चलो हाँ जी चलो सबसे पहले अपने कमर में हाथ रखिए। हाँ जी और सबसे पहले अपने हम नेकोरे से शुरुआत करते हैं, ठीक है? हाँ जी पहले ऊपर ऊपर फिर नीचे नीचे अप एंड डाउन अप एंड डाउन बस उसके बाद Left, right. और एक चीज है जब आप लेफ्ट टू राइट देखते हैं तो आपकी नजर ऐसे चलती नहीं होनी चलती, ये पूरी नजर आपको दिखनी चाहिए उधर की। हाँ यूं कर ऐसे करके कि आपको दिख भी रहा है पूरा इस तरह से, मतलब आराम आराम से करना है, ज्यादा ऐसे मेरी तरह एकदम से नहीं करना। ओके फिर आप इसको रोटेट कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट कीजिए, राइट टू लेफ्ट, और फिर भी आपको चारो चार नजर रखने की, आप चारो चार देख रहे हैं। जितनी बार आप लेफ्ट टू राइट देखेंगे उतनी बार ही आपको राइट टू लेफ्ट भी करना है। ओके अब इसके बाद शोल्डर, ओके हाँ यू करके रख सकते हैं ऐसे करते 1 2 3 4 5 1 सामने की तरफ हम 3 4 5 ठीक है। हाँ जी अब उसके बाद चलो इस तरह से ये हाथ यू करके पीछे को जाना पूरा, ठीक है, विदाउट एनी जर्क जर्क नहीं जाना। फिर भी आपकी नजर ऐसे रहनी चाहिए पूरी आगे सामने से उनको देखती हूँ जितना कर सकते हैं, जान लिया नहीं ऐसा ना। ओके लेकिन तो आज के एक ही दिन करनी है उसके बाद फिर अरे नहीं मैं फ्लेक्सिबल तो मैं काफी हूँ। हाँ जी आगे उसके बाद करिए जी। नायशा अपनी कमर लचकाओ, कमर लचकाओ, वाओ नायशा भी लचकाओ, अरे गोल घुमा ऐसा थोड़ी कर रहा है। अगर आप इतनी बार चलो तीन बार मैंने कर दिया तो इस तरह से क्लॉकवाइज भी उतनी बार करना है, एंटी क्लॉकवाइज भी उतनी बार करना है। ओके हाँ जी अब आया ऐसे चला जाओ जाओ अभी चलो ये अंगूठा छूना। ओके ये हाथ से ओके ये क्या मैं नहीं दिखा रहा ये दिखना चाहिए था क्या नाम है कि कौन नीचे लगाता है देख लो मैं रोज योगा करती हूं। अरे ये देखिए आप यहां पर हाथ पूरा लगा रहा मैं नीचे यहां से क्या झुक रहे हो पकड़ो टांग पकड़ो लो 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 इसको बोलते फ्लेक्सिबिलिटी लो। कमर बिल्कुल सीधी ओके मैं अब अंकित को ना सूर्य नमस्कार सिखाने वाली हूँ बिकॉज ये अपना ही करता है, मेरा योगा वगैरह ये कुछ नहीं करते, अपना वर्कआउट जिम में करते रहते हैं, डंबल डंबल करते रहते हैं। नमस्कार आसन, नमस्कार आसन, ऊपर देखिए बैक बस गिर मत जाना। अच्छा सामने की तरफ को झुके उत्तान मुक्तासन थोड़ा नहीं झुक जा। अच्छा हाँ जी अब लेफ्ट लेफ्ट फुट पीछे बैक अश्व संचालन दिख रहे हम लोग कैमरे में। हाँ जी ओके हाँ जी तो इसके बाद राइट वाला भी पीछे बैक पर्वतासन हाँ जी नहीं आ रहे चल कोई ओ सॉरी कैमरे में दिख रहे हम लोग टांगे तो दिख रही है। अब ऊपर भुजंगासन पीछे देखिए जितना आप ऊपर देख सकते हैं ठीक है। हाँ जी
फिर से पर्वतासन की पोजीशन में आए। अब लेफ्ट वाला फुट आगे, राइट भी आगे। पर्वतासन बैक। नमस्कार नमस्कार। और अंकित अब आप ये सीख गए हैं, अब रोज आपको 13 बार करना है। ये कितनी बार करना है? 13 बार। हाँ 13 बार करना है रोज, ठीक है। इसमें कितने 6-7 आसन इसमें आ जाते हैं, तो ये कंप्लीट पैकेज है। अगर आप सूर्य नमस्कार भी करेंगे तो मैं आपको कहूंगी कि आपने योगा कर लिया। सूर्य नमस्कार करती हूँ मैं रोज, और मैं ये अनुलोम विलोम कपालभाति करती हूँ और बंद लगाती हूँ, बस दैट्स इट।